नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं 99% ब्लॉकेज को भी रिमूव कर देता है पीपल का पत्ता। जी हाँ, पीपल के वैसे तो बहुत सारे गुणों से आप सभी वाकिफ़ हैं और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत हमारे लिए यानी कि जीवनदायी होता है पीपल। पीपल के 15 पत्ते ले लीजिए जो कोमल गुलाबी कपोले न हों, बल्कि पत्ते हरे कोमल एवं भली प्रकार से विकसित हों। प्रत्येक का ऊपर एवं नीचे का कुछ भाग कैंची से काटकर अलग कर दीजिए। पत्ते का बीच का भाग पानी से साफ कर लीजिए। इन्हें एक गिलास पानी में धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब पानी उबलकर एक तिहाई रह जाए तब ठंडा होने पर साफ कपड़े से छान लें और उसे ठंडे स्थान पर रख दें। दवा तैयार हो जाएगी इस प्रकार से आपकी। इस काढ़े की 3 खुराकें बनाकर प्रत्येक 3 घंटे के बाद सुबह लेना है आपको। हार्ट अटैक के बाद कुछ समय हो जाने के पश्चात लगातार 15 दिन तक इसे लेने से हृदय पुनः स्वस्थ हो जाता है और फिर दिल का दौरा पड़ने की संभावना नहीं रहती है। दिल के रोगी इस नुस्खे का एक बार प्रयोग अवश्य करें, उनको लाभ नज़र आने लगेगा। पीपल के पत्ते में दिल को बल और शांति देने की अद्भुत क्षमता होती है। इस पीपल के काढ़े की 3 खुराकें सवेरे 8 बजे, 11 बजे एवं 2 बजे ली जा सकती हैं। खुराक लेने से पहले पेट एकदम खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि सुपाच्य एवं हल्का नाश्ता करने के बाद ही लेना है आपको इसको। प्रयोग काल में तली हुई चीज़ें, चावल इत्यादि नहीं खाना है। नमक चिकनाई का प्रयोग बंद कर देना है। अनार, पपीता, आंवला, बथुआ, लहसुन, मेथी दाना, सेब का मुरब्बा, मौसम्बी, रात में भिंगोए हुए काले चने, किशमिश, गुगुल, दही, छाछ, इन सब का सेवन अवश्य करें जब भी आपको हार्ट ब्लॉकेज का खतरा नज़र आने लगे तो। इसके अलावा पीपल के पत्ते का ये हमने आपको प्रयोग बताया, इसको अपना लें। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपने ब्लॉकेज को यानी कि हार्ट ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, रिमूव कर देंगे। जी हाँ, ये थी आज की जानकारी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।